हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, न्यूमेरिकल क्लास होगा। टोटल दो न्यूमेरिकल करेंगे, एक होमवर्क हो सकता है दे देंगे, ठीक है ना? तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा और आज करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल, ठीक है? अब बहुत बच्चा सोच रहा होगा न्यूमेरिकल कब किस टॉपिक पे करेंगे, यही ना? तो जो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे वो पोजीशन वेक्टर फॉर्म वाला करेंगे, जो कल पढ़ाए थे वही न्यूमेरिकल आज होने वाला है। कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, इस पे क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और फुल्ली कॉन्सेंट्रेट रहिए बोर्ड पे, ठीक है ना? तो चलिए, कोई दिक्कत? आइए क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास नंबर 20, सबको मालूम है अब। क्लास नंबर 20, ठीक है ना? और थोड़ा सा हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है ना, वो कुछ ज्यादा सीरियस है कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मीडियम में कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो ठीक पढ़ रहे हैं, और बहुत बच्चा हम देख रहे हैं क्योंकि वो वीडियो को स्किप कर रहा है, नहीं देख रहा है, ठीक है ना? लेकिन इंग्लिश मीडियम में, सॉरी, हिंदी मीडियम में सब कोई देख रहा है जो पढ़ रहा है। अब इंग्लिश मीडियम में है कुछ है, जैसे भोला हो गया, सूरज हो गया, आदि कुमार कोई है, तो ये सब लड़का एकदम एवरी टाइम कमेंट करता है, रिप्लाई देता है और आंसर देता है, ठीक है ना? हर एक वीडियो को देखता है, देन वो सब क्वेश्चन को कर रहा होगा, एम करीम जहां से भी क्वेश्चन वो सब कर लेगा, ठीक है ना? कुछ बच्चे यहाँ पे आता है, सर का चेहरा देखा, अच्छा आज सर ऐसा दिख रहे हैं, चल गया घर, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम को सुधारिए, ठीक है ना? फुल वीडियो को देखिए तब मजा आएगा, है ना? तो चलिए इसी के साथ क्लास नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। और वही बच्चा पढ़ेगा जो इंग्लिश मीडियम का होगा, हिंदी मीडियम वाला सामने, इंग्लिश मीडियम। और आज का चैप्टर तो मालूम ही है आपको, अब बताने का जरूरत है नहीं ना? तो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है? ये आपका चैप्टर है। तो अब हम लोग करने जा रहे बहुत सारा न्यूमेरिकल, बहुत अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल, ठीक है ना? विच कैन बी आस्क इन क्लास 12, ठीक है ना? तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12 का सब न्यूमेरिकल्स, और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको भी दे देंगे, है ना? ताकि आप भी घर पे कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन है, टू चार्जेस, टू चार्जेस ऑफ टू चार्जेस ऑफ Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम एंड Q2 बराबर 5 माइक्रोकूलम हैविंग टू चार्जेस ऑफ Q1 इतना और Q2 इतना, हैविंग दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, हैविंग पोजीशन वेक्टर
पोजिशन वेक्टर, हैविंग पोजिशन वेक्टर, इसका पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है आर वन बराबर, आर वन बराबर तो क्या दो गो चार्जेस ऑफ इतना वैल्यू, ठीक है, जिसका पोजिशन वेक्टर आर वन बराबर थ्री आई प्लस फाइव जे एंड एंड ये आपका पोजिशन वेक्टर किसका हो गया, वन मतलब इसका, ठीक है ना, इस ये पोजिशन वेक्टर वन वाले का एंड आर टू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है फाइव जे माइनस फोर के, ठीक है, टू चार्जेस ऑफ क्यू वन इतना एंड क्यू टू इतना हैविंग पोजिशन वेक्टर आर वन एंड आर टू आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, ठीक है ना, वैक्यूम में, वैक्यूम जैसी बोलते हैं कितना लड़का खुश हो जाता है, ठीक है, वंस टू चार्जेस आर केप्ट इन वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर तो कहानी तो क्लियर, आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, ठीक है। तो आपसे पूछा गया फाइंड 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 एक ही क्वेश्चन देते हैं इसमें और दूसरा आपसे करवाएंगे, ठीक है ना। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड फोर्सेस, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो ये हमारा एक क्वेश्चन दिख रहा है, देख लीजिए आप भी, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। दू गो चार्ज, एक दू गो चार्ज, ठीक, दू गो चार्ज Q1 दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है एक का तो दो माइक्रो, माइक्रो माने माइक्रो मतलब 10 के पावर माइनस 6, ठीक इतना तो क्लियर हुआ। एंड Q2 भी दिया हुआ है 5 माइक्रो कूलर मतलब 5 गुना 10 के पावर माइनस 6, ठीक, एकदम बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है, एक नंबर। हैविंग पोजिशन वेक्टर इसका इतना, एक नंबर, बहुत बढ़िया। एंड इसका पोजिशन वेक्टर ये, कोई दिक्कत नहीं चल रहा, ठीक है, दोनों चार्ज वैक्यूम में, एकदम बहुत खुशी हुआ, वैक्यूम जैसी सुने एक नंबर मजा आ जाता है। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज क्यू वन ड्यू टू चार्ज क्यू टू, मतलब अगर बात करें कि अगर ये दो चार्ज है, ठीक है ना, दो चार्ज है तो हम कॉन्सेप्ट बहुत भयानक क्लियर कर रहे हैं, हम ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत बच्चा यहीं पे प्रॉब्लम में फंस जाता है, एकदम पूरा फुल कॉन्सेप्ट आज क्लियर करके जाइए घर है। क्यू वन क्यू टू दो चार्ज है, वी हैव टू चार्जेस, ठीक है, तो आपसे बोला है फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q1, मतलब व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q1, मींस कि फोर्स चार्ज Q1 पे कितना लगा, व्हाट इज द फोर्स किस पे, Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, ड्यू टू Q2, मतलब ये इस पे कितना फोर्स लगाया, किस पे फोर्स लगा, Q1 पे, लगाने वाला कौन, Q2, लगाने वाला कौन, Q2, ठीक है। तो यहां पे फाइंड द फोर्स
ऑन इस पे ड्यू टू इसके कारण, इसके कारण मतलब हम कैसे लिखेंगे, फोर्स पूछा है। देखिए पहले लिख लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि कल दो फॉर्मूला आपको मिला है, एक एफ वन टू और एक एफ टू वन निकालने के लिए, ठीक है। अब जब दो फॉर्मूला मिला है, दो फॉर्मूला मिला है, तो बहुत बच्चा एकदम कॉन्फ्यूजन में है, एकदम सोच रहा है कि अरे कौन सा लगाए कौन सा लगाए, दू गो ना है। अब बहुत बच्चा यहीं पे कॉन्फ्यूज कर गया कि सर दू गो फॉर्मूला दिए हैं, अब कैसे बनाएंगे, बहुत बड़का टेंशन लग रहा है, कैसे बनाए, पूरा रो रहा है बैठ के घर पे, है ना। तो अब यहां पे एक फोर्स ये, अब देखिए कैसे पकड़ेंगे चीज को, समझिए आपसे क्या बोला है कि Q1 पे फोर्स Q2 के कारण, मतलब कैसे हम लिखेंगे, जिस पे लगता है उसको पहले और जो लगाने वाला है उसको बाद में, मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब आपको ये चीज निकालना है। F1 टू फोर्स, देखिए फोर्स ऑन Q1, Q1 आ किसके कारण, ड्यू टू चार्ज Q2 इसके कारण, तो ऐसे लिखते हैं F12। अगर ऐसे लिख दिया जाए F21, इसका मतलब हुआ फोर्स ऑन दो पे, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मतलब फोर्स किस पे लगा, दो पे, लेकिन लगाने वाला कौन, वन। तो ये तो अभी नहीं पूछा है, ठीक है। एक ये देखिएगा किया जाए, तो आपसे पहले हम देख लेते हैं डेटा क्या क्या है मेरे पास, व्हाट इज द डेटा वी हैव। चलिए तो हमको याद हो गया Q1 बराबर दिया हुआ था 2 माइक्रो कूलम, राइट। पहले डेटा लिखिए, बड़ी दिक्कत है, बुला जाता है सब लड़का। फिर उसके बाद Q2 दिया हुआ था शायद से 5 माइक्रो कूलम, है ना। अब आइए R1 दिया था 3i+5j, ठीक है R1, और R2 दिया था, ठीक है ना, 5j-4k, यही था। तो देखिए पोजीशन वेक्टर का जब बात होगा तो पोजीशन वेक्टर इसी फॉर्म में आपको देगा, इसी फॉर्म में i, j हो सकता है k भी हो जाए, तो जब भी वेक्टर का बात होगा पोजीशन वेक्टर तो इसी रूप में वेक्टर देगा, R1 ये है, R2 ये है, तो ये दोनों आपका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। इलेवेंथ में ऐसा वेक्टर हम पढ़ाए भी थे, कैसा, ए वेक्टर था तो ऐसे लिखते थे आई जे के, याद आया, तो ऐसा वेक्टर हम पढ़ाए हैं, तो इसी रूप में दिया हुआ है 3i 5j, हो सकता है के भी दे दे, ठीक है ना, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं। चलिए तो ये हमारा गिवन डेटा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो वी हैव दिस डेटा एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज, क्या निकालना है, फोर्स किस पे था, फोर्स किस पे लग रहा था, वन पे, तो फोर्स वन पे टू के कारण, ठीक, यही ना, फोर्स वन पे टू के कारण। तो हमको फॉर्मूला देखिए, अब हमको फॉर्मूला तो याद नहीं, आपको भी याद नहीं होगा, है ना, फॉर्मूला हमको कहां याद है, याद करने का तरीका देखिए, हमको पूछा गया है क्वेश्चन में F12 बराबर क्वेश्चन मार्क, यही पूछा है, तो हम फॉर्मूला पहले लिखेंगे। तो देखिए F12, ठीक है, पोजीशन वेक्टर वाला फॉर्मूला लिखेगा F12, तो कैसे लिखेंगे, K Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर, ये तो पहले तो कूलम्स लॉ हम जानते हैं। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा मिटाइए, अब हम क्या करते थे, 1 2 था ना, तो ऐसे करेंगे 1 2 मतलब 1 - 2 मतलब R1 - R2, उसी प्रकार से नीचे में भी
R1 - R2 होता था, लेकिन मैग्नीट्यूड था ये, ऐसा फॉर्मूला था, कल प्रूव किया ये वाला चीज, तो आपको यही निकालना है। तो अब हम क्या करें, हम क्या करें इसमें, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। बहुत बच्चा को यहां पे दिक्कत होने वाला है, बताएंगे 11 का चीज है, मैग्नीट्यूड अगर ऐसा दिया रहेगा तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बताते हैं। क्लियर हुआ फॉर्मूला? अगर आपसे पूछता क्वेश्चन में, जो कि होमवर्क हो गया क्वेश्चन, फाइंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मतलब इस बार में हम दे देंगे होमवर्क आपको, देख लेंगे कितना लगता है, शायद बराबर लगेगा कि क्या लगेगा, देख लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, समझते हैं बात को। F12 बराबर K का मान तो मालूम है, पूरा दुनिया, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, एवरीवन नोस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, एवरीवन नोस क्या होता है K का वैल्यू। When we are talking about the medium vacuum, because in the question it is given कि vacuum में रखा है, it is given in the question कि जो चार्ज रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ है vacuum में, तो K का मान कितना है? अरे ये सब तो बड़ी हल्का है सर, 9 × 10^10। चलिए तो देखिएगा क्या है कि F12 बराबर K जो दिया हुआ है 9 × 10^9 दिया हुआ है। अब जो Q1 है, Q1 वो क्या हो जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा बताइए, Q1 कितना हो जाएगा, Q1 जो है इट इज गिवेन 2 µC, 2 × 10^-6। Q2 इज गिवेन 5 × 10^-6, ठीक है ना। और R1 - R2, R1 वेक्टर इज गिवेन कितना, 3i + 5j, तो 3i + 5j हो गया, और माइनस, तो माइनस, अब बताइए माइनस के अंदर कौन, R2 का मान 5j - 4k, तो 5j - 4k हो गया। तो अब यहां से बट्टा में वही चीज है, R1 - R2, तो R1 कितना, 3i + 5j माइनस, मोट के अंदर है माइनस, बोलिए R2 का मान कितना है, R2 का मान 5j - 4k। बोलिए कोई अपना दिमाग लगाए, कुछ एक रुपया का भी दिमाग लगाए, नहीं, व्हाट वी हैव डन इज जस्ट पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट। आपको बस प्रॉब्लम यहां पे होगा कि कौन सा F12 ले कि F21, जो कि हम क्लियर कर दिए कौन सा लेना है, ठीक है। अब यहां से ये इतना हो गया, तो मॉड क्यूब बंद कीजिए इसको, ठीक है ना। अब इसका हम यहां पे मिटाते हैं, ठीक है, जगह नहीं है, ऊपर वाला मिटा देते हैं, अब यहां सॉल्व करते हैं, अब ऊपर आएंगे तो F12 जो हो जाएगा, तो एक तो कैलकुलेट कीजिए, ये तो बच्चा बच्चा करता है, 9 × 18 है ना, 9 × 9 = 45, 45 × 2 = 90, 45 × 2 = 90, तो 90 ठीक है ना, जोड़ घटाव ठीक तो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगला देखिए, 10^-12 अब +9 - 12 ये दोनों, अब +9 - 3, तो 10^-3 हो गया। और ब्रैकेट में यहां पे -5j - 5j क्या हुआ, कट गया, तो क्या बचा, 3i, माइनस माइनस प्लस 3i
प्लस 4k हो गया, 3i माइनस माइनस प्लस 3i प्लस 4k हो गया, क्लियर। बट्टा में इसको मिटा दे, नहीं मिटा है तो मिटा दे। चलिए अब यहां से f12 बट्टा वाला तो लिख में नहीं किया, ब्रैकेट में चलिए माइनस फाइव जे फाइव जे ये कट जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस, ये सब तो जोड़ घटाव है जी, 2 सेकंड लगता है ना, तो 3i अब माइनस माइनस प्लस 4k हो गया 4k, और यहां से होल क्यूब। बड़ी मजा आया सर, एक नंबर, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अब इसको मिटाते हैं, अब यहां से ध्यान से देखिएगा कि f12 बराबर जो हो जाएगा 90 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ऐसी छोड़ दीजिए, इसको ऐसी छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बस टेंशन कहां आएगा, आइए देखते हैं। ये तो ठीक है, अब आइए इसको कैसे किया जाता है। ये दो वेक्टर मान लिया 3i प्लस 4j, जैसे r बराबर ठीक है दिया हुआ है, मान लेते हैं 3i प्लस 4k ऐसा दिया हुआ है, इसमें मॉड लग जाता है, हम पहले भी बता चुके हैं, अगर मॉड लग जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, रूट अंडर मैग्नीट्यूड। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर मतलब इसके पास क्या क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब जब इसका केवल मैग्नीट्यूड का बात करना होगा तो हम मॉड लगा देंगे, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ये आर है वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड का बात होगा तो मॉड लगा देंगे, मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना, बताया था ना कल। अब जब मैग्नीट्यूड पता चला, मैग्नीट्यूड हो गया, तो इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा 9, 16 मतलब 25, रूट अंडर 25 कितना हो जाएगा 5, रूट अंडर 25 बोलिए 5, तो ये आपका ऐसे होगा मतलब मॉड में, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया आर बराबर 50, मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए फॉर्मूला 11 में क्या दिए थे, सपोज दिस इज अ वेक्टर और ऐसे था ए आई प्लस बीजे अब प्लस सी के, याद आ रहा है कुछ, इफ सम वेक्टर इज गिवन इन दिस फॉर्म एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, ऐसा दिया हुआ है ठीक है, और आपको चाहिए मैग्नीट्यूड निकालिए, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज मैग्नीट्यूड। तो आप क्या कीजिए, ऐसे करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाए, क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड, यहां पे मॉड लग गया तो मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, लेकिन इसका भी कितना है, क्यूब है। तो एक लाइन और खर्च करते हैं आपके लिए, एफ वन टू जो हो जाएगा 90 गुना 10 के पावर माइनस 3 और 3i प्लस 4k होल डिवाइडेड बाई 9, 16, 25 मतलब 5, रूट अंडर 5 हो जाएगा, रूट अंडर 25 का कितना होगा 5, अब 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125 है ना। तो यहां से आप अपना काट सकते हैं, तो 5 ये अपना काट लीजिएगा, जो भी आ जाए 90 या बट्टा में 125 अपना काट लीजिए, ठीक है ना, तो जो भी आ जाएगा वो न्यूटन में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा आपसे, ये बोलिए हमको, ठीक है। चलिए बहुत बच्चा बोले बहुत सिंपल है सर, बन जाएगा, है ना, बन जाएगा। तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, बन जाएगा, तो एक क्वेश्चन और लिखिए इस पे,
चलिए रिया क्वेश्चन क्या है? टू चार्जेस क्यू वन बराबर 4 माइक्रो कूलम एंड क्यू टू बराबर 2 माइक्रो कूलम हैविंग पोजीशन वेक्टर इन दोनों का दिया हुआ है, हैविंग पोजीशन वेक्टर जो दिया हुआ है वो हो जाएगा आर वन बराबर फोर आई प्लस 5J या 4I प्लस हल्का कर दें 3J ठीक है, और R2 दिया हुआ है हैविंग पोजीशन वेक्टर इतना एंड दूसरा का दिया हुआ है R2 दिया हुआ है 3J माइनस 3K केप्ट इन कहां वैकम ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड फोर्स ऑन किस पे Q1 पे ड्यू टू किसके कारण कौन लगाया Q2 मतलब Q1 पे फोर्स लगा है जी, और लगाया कौन Q2 लगाया मतलब फोर्स लगा है 1 पे और लगाया कौन 2। फॉर्मूला याद है कैसे K Q1 Q2 कैसे लिखें K Q1 Q2 R1 माइनस R2 1 2 है तो 1 माइनस 2 वही 2 1 आपसे पूछता तो 2 माइनस 1 ठीक है, और बट्टा में R1 माइनस R2 ये लीजिए क्या फॉर्मूला है, हम तो 2 सेकंड में याद करते हैं सब है ना, कर लीजिए याद आप जी, बनेगा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन रहा होमवर्क ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी एक बार बता देते हैं इंग्लिश मीडियम को थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बनाइए ठीक है ना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बनाइए, हिंदी मीडियम वाला बना दिया है पूरा, हिंदी मीडियम वाला मतलब इच एंड एवरी स्टूडेंट इज स्टडिंग, मतलब ऐसा स्टडी कर रहा है कि जैसे क्लास से भी एकदम जबरदस्त कर रहा है, एक से एक लड़का व्हाट्सएप कर रहा है, एकदम इनबॉक्स कर रहा है, मैसेज कर रहा है, पूछ रहा है, सब कुछ कर रहा है, बता रहे एकदम बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम एकदम जबरदस्त मतलब उसको है ये नहीं है प्रॉब्लम। तो इंग्लिश मीडियम वाला भी सीरियस हो जाए, पहले ही हम बोल दिए हैं ठीक है ना, ये हमको आंसर चाहिए। बाकी एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है फोर्स में, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, जो कि पूरा न्यूमेरिकल टॉपिक है, एक से एक कॉम्पिटिशन में इससे क्वेश्चन पूछता है, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, इस पे चार्ज रख देगा, इस पे चार्ज रख देगा ठीक है, पूछेगा कि इस पे टोटल फोर्स कितना है, मतलब सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, बड़ी मजा आता है टॉपिक हम पढ़ाते हैं, जबरदस्त एकदम मजा आता है, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एकदम इसके बाद वाला पूरा फुल न्यूमेरिकल है, जैसी खत्म करेंगे हम आएंगे लाइव इंग्लिश मीडियम के लिए 2 आवर में जितना हमको मतलब